नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। क्या होता अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन जाती, क्या होगा अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, ये कुछ सवाल इस वक्त भारत में उठ रहे हैं क्योंकि फ्रांस में नई नई सरकार बनने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार तो फ्रांस में बनेगी तो इससे भारत में सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के सैम अंकल ने भारत में विरासत टैक्स लागू करने की वकालत की थी, लेकिन भारी विरोध के चलते बात को दबा दिया गया। लेकिन अब जैसे ही फ्रांस में गठबंधन की सरकार बनने वाली है तो वहां भी विरासत टैक्स लागू कर दिया जाएगा। तो फ्रांस में सरकार बनते ही कहा जाने लगा कि अगर राहुल गांधी भारत की सरकार में आ जाते तो क्या भारत में भी ये लागू हो जाता। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से समझिए, फ्रांस कट्टरपंथियों की आग की में किस कदर झुलस रहा है वो शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी साल भर पहले ही फ्रांस की सड़कों पर इन शांति के दूतों ने नंगा नाच किया था और एक बार फिर से वही तस्वीर उकेरते हुए जीत के जश्न के तौर पर फ्रांस की सड़कों पर तांडव किया गया, दंगे किए गए, आगजनी की गई और अब फ्रांस में वो एजेंडा शुरू किया जाएगा जिसकी तमन्ना काफी दिनों से थी। अब फ्रांस में एक वर्ग कमाएगा और दूसरा वर्ग बैठकर खाएगा। हालांकि भारत में तो ये लंबे वक्त से चलता आया है। फ्रांस में जो नई सरकार बनेगी उसकी सबसे पहली योजना है कि 4 लाख यूरो सालाना से जो ज्यादा कमाता है उसके ऊपर 90% वेल्थ टैक्स लगाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। ये एक तरह से संपत्ति का बंटवारा ही तो है और इसी बंटवारे की बात कांग्रेस पार्टी भी कर चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले इंदिरा गांधी उद्योगपतियों पर 97% का टैक्स ठोक चुकी हैं और अब राहुल जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो जो आज फ्रांस में हो रहा है, कल अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो भारत में भी ऐसा क्यों नहीं होगा। अब आप पहले फ्रांस के 90% टैक्स को समझ लीजिए। फ्रांस में जो सरकार आने वाली है उसका इरादा ऐसा है कि जो व्यक्ति 4 लाख यूरो सालाना से ज्यादा कमाता है उस पर 90% से ज्यादा का टैक्स लगाया जाएगा। फिलहाल फ्रांस में 1,77,106 यूरो से ज्यादा कमाने वाले लोगों पर 45% टैक्स लगाया जाता है। जो सरकार फ्रांस में बनने वाली है उसने जीत की खुशी में पेरिस शहर में दंगे किए, पूरे फ्रांस में दंगे भड़क उठे, फ्रांस एक बार फिर से हिंसा की आग में जलता दिखाई दिया। झड़पों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, दंगाइयों ने कथित तौर पर मोलोटोव कॉकटेल फेंके और धुएं के बम भी फोड़ दिए। फ्रांस को जलाने वाले नकाब पहनकर दंगे कर रहे थे जिहादी। जो तरीका भारत में अपनाते हैं वही तरीका फ्रांस में भी अपनाया जा रहा है। फ्रांस ने इन लोगों को, इन कट्टरपंथियों को अपने घर में शरण दी थी और शरण देने के बाद आज फ्रांस में क्या हो रहा है वो दुनिया देख रही है। वहां भी राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें ताकत दी और भारत में भी राजनीतिक दल यहाँ के कट्टरपंथियों को ताकत दे रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो उनकी पार्टी आर्थिक और संस्थागत सर्वेक्षण के साथ साथ जातिगत जनगणना भी कराएगी ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि किसके पास क्या है और वो कितना पैसा कमाता है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। अदे विधंगा आर्थिक परमैन व्यवस्थापन सर्वे కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि राहुल अकेले थे जो ये करना चाहते थे, इससे पहले नेहरू और इंदिरा भी मोटा टैक्स लगा चुके हैं। नेहरू के काल में गिफ्ट टैक्स लगाया जाता था, जो 10,000 रुपये से ज़्यादा की लेन देन होता था उस पर ये टैक्स लगाया जाता था। इंदिरा के वक्त आयकर 60% था, उसके ऊपर सरचार्ज 10% था, तो कुल मिलाकर ये 70% हो जाता है। तो राहुल भी अगर सत्ता में आते तो जो कहा जा रहा था वो जो कह रहे थे उसे करने में शायद बिल्कुल भी नहीं चकते। देश में किसके पास कितना धन है उसकी जांच करवाई जाती और फिर उन लोगों में बांटा जाता। तो फ्रांस में जो सरकार बनने जा रही है उससे भारत को सीख जरूर लेनी चाहिए और उस सीख के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए।